हेलो हाय नमस्ते, दिस इज सुचिस्मिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल रस में। आज हम बनाएंगे अनियन पकौड़ी। देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें स्लाइस किया हुआ अनियन चाहिए, पतले स्लाइस किए हुए अनियंस, पानी, मैदा और बेसन चाहिए हमें। अभी हम इसको बैटर बनाएंगे और इसको डिप करना है, अनियन को डिप करना है बैटर में और तेल में फ्राई करना है। अभी हम फ्राई करने के लिए जो हमें बैटर चाहिए वो हम बना लेते हैं। थोड़ा मैदा ले लेते हैं, सॉरी मेरे हाथ में बेसन है। थोड़ा अभी मैदा ले लेते हैं, 1:1 के रेशियो में आप रख सकते हो इसको, और जितना आपको चाहिए होगा उतना ही आप लीजिएगा। जितना आप बनाएंगे उतना ही लीजिएगा। इसमें हम अभी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इसको कुछ तीखा नहीं होता है इसको डालने से, सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, जिससे कि अच्छा रेडिश कलर आ जाए। और हम इसमें हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए उतना। इसमें पानी भी डलेगा तो थोड़ा सा नमक आपको ज़्यादा डालना है, जिससे कि अच्छा ये बन के आए और अनियन के अंदर तक भी जाए ये। अभी हमें इसमें पानी मिला देना है। पानी को थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ही डालना है, जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो जाए और इसमें लम्स भी ना रहे। आप तुरंत जल्दी इसमें पानी मिला देंगे तो ये बहुत पानी भी हो जाएगा और इसमें लम्स भी आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाना है और बैटर को थोड़ा सा थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है। थोड़ा सा इसको थिक बनाएंगे जिससे कि कोटिंग अच्छे से हो, कोटिंग लगे अच्छे से, पूरा अनियन कोट हो जाए अच्छे से। कढ़ाई में हमने ऑयल ऑलरेडी दे दिया है और ये गरम भी हो गया है। अभी हमें जो हमने अनियन के स्लाइसेस काट के रखे हैं बैटर में, देखिए ये बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी रनी नहीं है, थोड़ा सा थिक है कि जिससे कि अनियन कोट हो जाए अच्छे से। अभी हमें अनियन लेके इसमें अच्छे से कोट करके एक एक करके डाल देने हैं कढ़ाई में। थोड़ा सा इसको डीप फ्राई करना है तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है इसमें। आपको ध्यान रखना है कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो फिर आपको इसको हिलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हमने अभी गोल्डन ब्राउन होने तक का पकाना है, जिससे कि ये अनियन है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 3 से 4 मिनट रखेंगे तो ये हो जाता है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाता है और दोनों साइड अच्छे से पक भी जाते हैं। अंदर का बेसन भी पक जाता है, जो बैटर हमने बेसन और मैदे का बनाया है वो भी पक जाता है और अनियन भी पक जाता है। ये देखिए एक साइड हो गया है और हमने अभी स्टीम को लो कर दिया है, जिससे कि दूसरा साइड भी अच्छे से हो जाए और अंदर का पक भी जाए अच्छे से। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसमें। इसको भी हम 2 से 3 मिनट रख के लो फ्लेम में फिर सर्व करने के लिए ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल। इस 3 से 4 मिनट हो गया है और ये अंदर का भी अच्छे से बॉयल हो गया है,
फ्राई हो गया है अच्छे से। हमें अभी स्टीम मैंने ये बढ़ा दिया है लास्ट, थोड़ा सा क्रिस्पी रखने के लिए लास्ट पोर्शन, जिससे कि एकदम क्रिस्पी रहे। सर्व करने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। गैस हमें अभी ऑफ कर देना है और सर्विंग बाउल में निकाल। ये हमारे अनियन के पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एकदम ये क्रिस्पी है। क्रिस्प इसका तब तक ही रहेगा अगर आप जल्दी जल्दी इसको खा लें। चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर आपने इसको ठंडा होने दिया तो इसका क्रिस्प जो है वो चला जाएगा, ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ऑयल छोड़ देगा ये। तो आपको ये गर्मा गर्म खा लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये दिखाइएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपको दूसरा जो भी वीडियो आपको देखना है या कुकिंग का दूसरा कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉच करने के लिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज सुचिस्मिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।